ये हमारा सुपर सोनाई का प्लॉट है। इसमें भी चार अलग अलग वैरायटी रहते हैं। जो हारा है, हारा में जो हारा में आरके सुपर थामसन ऐसे वैरायटी रहते हैं। और इसमें और एक है, उसमें काला आता है। काला अंगूर में ज्योति, कृष्णा, शरद ऐसे वैरायटी होती है। ये चटनी हम अक्टूबर सितंबर मंथ में करते हैं। तो उस टाइम में ये जो पत्ते रहते हैं, वो पत्ते सब निकालते हैं। पत्ते निकालने के बाद वो डॉर्मिक्स औषध इसमें लगाते हैं। और इसमें से जो ऐसा बड निकलता है, इसमें से बड निकालने के बाद 10-25 दिन में ऐसा जो गड़ है दिखने के लिए हमको मिलता है। और फर्स्ट टाइम में हमें जो करपा, दावनी, बुरी, मिलीबाग ऐसे रोग के लिए अलग अलग औषध की छिड़काव करने पड़ते हैं। हमें इस अंगूर के लिए हम अलग अलग औषध की फवारनी करने के बाद ऐसा खट्टा मीठा हमको अंगूर दिखने के लिए जनवरी और फरवरी में आते हैं। इस अंगूर के लिए 120 दिन लगते हैं। जनवरी महीने में जो प्लॉट आते हैं वो थोड़े खट्टे रहते हैं। फेब्रुअरी महीने में जो प्लॉट आते हैं वो थोड़े मीठे रहते हैं। ये अंगूर है, ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। इसमें अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और जो अपने शरीर में हार्ट की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है ये अंगूर। बगीचा में मैं, मेरी माँ, पिताजी, हम तीनों काम करते हैं। और जब काम बढ़ जाता है तो लेबर लोग भी लगाते हैं हम। और यहाँ जब खाली वक्त रहता है मैं अंगूर की जब बुक्स मिलते हैं बाज़ार में, उसको पढ़ लेता हूँ। उसमें सब जानकारियाँ मिलती है। जब इसमें से बड निकलता है, बड निकलने के बाद जब हमें ये घर दिखने पड़ता है 15 दिन के बाद, वो क्षण है, वो हमारे एक साल की मेहनत का जो अति उत्साहित क्षण रहता है हमारे लिए। जब हम हर मौसम से ये पौधे को लिए सब छिड़काव करने के बाद जब ये ऐसा दिखने लगता है, वो हमारे एक साल का मेहनत का क्षण रहता है, अति उत्साहित क्षण रहता है। ये दिखने के लिए बहुत हमें अच्छा लगता है।